नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला, शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। राष्ट्रीय आपदा कोरोना से बचाव हेतु जिला प्रशासन ने उठाया सख्त कदम। जिले के सभी एंट्री पॉइंट्स पर चल रही है जांच अभियान। 24 घंटे मौजूद है मेडिकल टीम। कोरोना के खतरे को देखते हुए टाटा नगर रेल प्रबंधन है सजग। हर आने जाने वालों की हो रही है जांच। कौशल विकास केंद्र से कोयंबटूर भेजी गई झारखंड की दो युवतियों को लाया गया शहर वापस। नौकरी के नाम पर हुई थी ठगी। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा राष्ट्रीय आपदा कोरोना के मद्देनजर जिले के सभी एंट्री गेट पर जांच टीम को तैनात कर दिया गया है। जिले में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की जांच की जा रही है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। जिले के सभी एंट्री पॉइंट को चेक नाके में ये जांच शिविर लगाए गए हैं। यहाँ बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की जांच एवं जागरूक भी किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने कहा कि सभी एंट्री पॉइंट्स पर ये शिविर 24 घंटे कार्यरत रहेंगे, जो हर आने जाने वालों की जांच करेंगे और उन्हें इस बीमारी की सतर्कता हेतु जागरूक भी करेंगे। इससे जिले में ये वायरस फैलने से बचेंगे। जो 12 पॉइंट्स हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्टेट बाउंड्री के, वहाँ पर एक हेल्प डेस्क लगाया गया है और हेल्प डेस्क में जो भी पदाधिकारी कर्मी प्रतिनियुक्त किए गए हैं उनको एक दिन का प्रशिक्षण भी दिया गया है, ताकि वो जागरूक हो सके, खुद अपनी भी सुरक्षा कर सके, साथ ही साथ जो कोरोना वायरस से बचाव के उपाय हैं उसके संबंध में आगंतुकों को भी जागरूक कर सकें। डेपुटेशन किया गया है, ये 24 घंटे चालू रहेगा। कोरोना वायरस को लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सिविल डिफेंस के जवान पूरी तरह तैनात है, जहां हर आने जाने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, विशेष उपकरणों से जवान यात्रियों की शारीरिक जांच कर रहे हैं। टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल सिविल डिफेंस के जवानों ने हेल्प डेस्क बनाया है, ताकि संक्रमित मरीज की पहचान हो सके। इसके लिए उन्हें विशेष उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, जहां हर आने जाने वाले यात्रियों की जांच विशेष तौर पर की जा रही है। साथ ही स्टेशन परिसर में ही आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। वहीं यात्रियों के शारीरिक जांच कर रहे सिविल डिफेंस के जवान के अनुसार जिन यात्रियों में सर्दी खांसी बुखार के लक्षण पाए जा रहे हैं, साथ ही वैसे शहर जहां संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वैसे ट्रेनों और वैसे यात्रियों पर भी खास नजर रखी जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि संदिग्ध मरीज पाए जाने पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है। हालांकि उनके अनुसार जांच के क्रम में ऐसा कोई भी यात्री नहीं पाया गया जो इस रोग से संक्रमित हो। बता दें कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारी ट्रेनों को तो रेल प्रबंधन ने रद्द कर दिया है, पर महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल जैसे राज्यों से आने वाले लोगों पर स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर है, जहां हर यात्रियों को स्कैनर मशीन से जांच करने के बाद ही उनके गंतव्य स्थान के लिए उन्हें जाने दिया जा रहा है। सिविल डिफेंस हेल्प डेस्क लगाया है, ठीक है, और यहाँ बाहर से जो भी यात्री आते हैं जिनको सर्दी खांसी और बुखार है, तो उनको हम लोग ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर दिया गया है, जिससे उनका नॉर्मल टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, और जो ऐसा अगर सस्पिशन में है, सस्पेक्टेड है और कहीं ऐसे जगह से आए हैं जैसे दिल्ली, केरला, तो हम लोग जैसा कि सुने हैं न्यूज़ में भी देखे हैं कि केरला ज़्यादा ऐसा केस है, तो वहाँ से आने वाले यात्री को अगर देखते हैं कि सर्दी खांसी बुखार से ग्रसित है और यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा भी बता रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हेल्पलाइन नंबर दिया है, रेलवे हॉस्पिटल का भी है, हम लोग क्या करते हैं रेलवे हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करते हैं, और यहाँ जो है आपको डॉर्मेट्री में रूम नंबर 4 में जो है आइसोलेशन 2, उनको देखते हैं कि सर्दी खांसी जो इसका लक्षण है, सर्दी खांसी बुखार, सूखी खांसी, बलगम आना।
कौशल विकास प्रशिक्षण के नाम पर लड़कियों का व्यापार धड़ल्ले से हो रहा है। इसका खुलासा कोयम्बटूर में बंधक हुई दो लड़कियों ने किया है। यह दोनों लड़कियां ईंचागढ़ क्षेत्र की रहने वाली है। आपको बता दें कि सरायकेला जिले के नीमडी प्रखंड के कौशल विकास प्रशिक्षण के नाम पर इन दोनों युवती को बाहर भेजा गया था और यह कहकर कि बड़ी कंपनी में आपकी नौकरी लग गई है। जब यह दोनों युवतियां वहां पहुंची तो कंपनी की बात तो दूर, किसी के घर में काम करने को ये मजबूर हो गई। इतना ही नहीं, कुछ दिन बाद इन दोनों युवतियों को पता चला कि यह ठगी के शिकार हुए हैं। उधर इन युवतियों ने झारखंड मानवाधिकार संघ को एक पत्र लिखा, उसके बाद संघ हरकत में आई और उपायुक्त को इस मामले में जानकारी दी। उधर उपायुक्त ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए दोनों युवती को बंधन से मुक्त कराकर शहर वापस लाए। वैसे कौशल विकास प्रशिक्षण के नाम पर गोरख धंधा चलाने वाले ममता सिंह, कोकिला सिंह और उषा सिंह सहित उसके टीम पर कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कौशल विकास केंद्र जो है कंपनी है जो राजस्थान की है, तो इन लोग को सिलाई कढ़ाई 3 महीना का कोर्स करवाया था। कोर्स करवाने के बाद जॉब के लिए जो है एसपी अपेयरलेस कंपनी है तमिलनाडु की, वहाँ पे इन लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला नहीं था, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। और पेमेंट पर जो जानकारी मिला कि लोगों का भुगतान कर दिया गया और इसमें नियोजन पदाधिकारी जैसे सीधा दिया। लड़की का 1 साल लाइफ बर्बाद हो गया। लड़की 1 महीना पहले से आना चाह रही थी, पार्ट 1 का इसका एग्जाम था, एग्जाम से वंचित रह गई। 1 साल जो क्षतिपूर्ति हुआ इसका भरपाई थे लड़की कर नहीं पाई, इसीलिए कौशल विकास केंद्र के लोग जो है इसके लिए दोषी है। उनके प्रशासन को जो है जो भी विधि सम्मत। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन परिसर में एक बाइक चोर चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वाहन के मालिक ने इसकी लिखित शिकायत रेल थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जाता है कि सीताराम डेरा थाना क्षेत्र निवासी श्रवण कुमार अपने ससुर को टाटानगर स्टेशन पर छोड़ने बीती रात पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्किंग स्थल के बजाय दूसरे स्थान पर वाहन को खड़ा किया था। इसके बाद वे अपने ससुर को ट्रेन में बैठाने के लिए प्लेटफॉर्म पर चले गए और इसी बीच मौका पाकर शातिर चोर ने बाइक की चोरी कर ली। जब युवक वापस स्टेशन से बाहर आया तो अपनी बाइक नहीं मिली। इसके बाद वो इसकी लिखित शिकायत रेल थाने में दर्ज करवाया। हालांकि चोर और चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। समाज सेवा में अपना एक अलग स्थान रखने वाले रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट की ओर से कोरोना वायरस को लेकर पूरे स्टेशन परिसर में यात्रियों के साथ साथ यात्रियों के संपर्क में रहने वाले रेल कर्मचारियों को भी जागरूक किया गया। साथ ही उनके बीच मास्क का निःशुल्क वितरण किया गया। यात्रियों के बीच रहकर काम कर रहे रेल कर्मचारी ठेका कर्मियों में इस वायरस से बचाव हो सके, इसके लिए रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट की ओर से मास्क का वितरण किया गया। साथ ही इस बीमारी के बारे में लोगों को सही जानकारी हो, इसके लिए पंपलेट भी वितरित किए गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए जमशेदपुर वेस्ट के पीके मेहता ने बताया कि यात्रियों के साथ संपर्क में रहने से जो कर्मचारी हैं, कुली है या फिर स्टेशन के कुछ और कार्य कर रहे हैं, उनमें संक्रमित होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। ऐसे में उन्हें जागरूक करने के साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से वे सारी यात्रियों से दूरी बनाकर रखें। इसके लिए उन्हें मास्क भी पहनाए गए ताकि हर एक व्यक्ति इस वायरस से सुरक्षित रह सके। आज हमारे रोटरी क्लब और जमशेदपुर वेस्ट क्लब की तरफ से यहाँ हम लोग आए हैं स्टेशन में और इन लोगों जो कुली और जो यहाँ के जो स्टाफ लोग हैं जो आते जाते लोगों से मिल जा उनसे संपर्क में है, उनको मास्क का डेटॉल सोप दे रहे हैं ताकि इनकी
वायरस की जो इश्यू है इसमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाए, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन इतनी बड़ी है कि ये लोग सारे पैसेंजर्स को हैंडल कर रहे हैं और इनका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग रोटरी क्लब की तरफ से ये माने कि इसके लिए अगर थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लिया जाए, तो इंडियन रेलवेज की सहयोग से उन्होंने मेरे उनको परमिशन दिया। वी आर वेरी थैंकफुल कि वो उनके साथ इंटरेक्ट करके उनके साथ ये करें। जमशेदपुर में जुस्को श्रमिक यूनियन का चुनाव आगामी 26 तारीख को होना है, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर निवर्तमान कमेटी ने चुनाव के प्रक्रिया को 3 दिनों में संपन्न करवाए जाने की मांग जुस्को प्रबंधन से की है। वैसे शुक्रवार को चुनाव के तमाम उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र हासिल किया, जिसे शनिवार तक भरकर जमा करवाया जाएगा। निवर्तमान कमेटी के सदस्यों ने कहा कि कुल 675 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग चुनाव में करेंगे। इन्होंने कहा कि पूर्व में चुनाव की तिथि 26 तारीख तय की गई थी, लेकिन इसे 3 दिनों में संपन्न करवाने की मांग जुस्को प्रबंधन से की गई है, ताकि कोरोना वायरस का खतरा ना हो। अभी डेट हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं कि इसको 3 दिन में करने के लिए, क्योंकि भीड़ कम होने के लिए, भीड़ को हम लोग कम करने का प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि डीसी का भी आदेश था, बाबा लोग ने जाकर रिक्वेस्ट किया, तो उन लोगों का यही कहना है कि थोड़ा स्प्लिट करके करिए। तो कमेटी मेंबर लोग का अपने अपने विभाग में हो जाएगा और ऑफिस बेरर का 2 दिन में करने की बात है। तो अभी उस हिसाब से लोग डेट आपको अभी बता देंगे। आज तो नामांकन के लिए फॉर्म दिया जा रहा है, फॉर्म लेने के बाद हम लोग फॉर्म भरेंगे, फिर कल जमा होगा। 675 दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या को देखकर लोगों में एक दहशत कायम होते जा रहा है। लोगों के इस दहशत को कम करने के लिए जिले के सदर अस्पताल में डॉक्टरों की एक विशेष टीम के द्वारा लोगों की शारीरिक जांच की जा रही है। आलम यह है कि थोड़ी सी खांसी सर्दी बुखार अगर लोगों में हो रहा है तो देर ना करते हुए वे चिकित्सकों से संपर्क में आ रहे हैं। रोजाना लगभग 100 से 150 मरीजों की जांच सदर अस्पताल में की जा रही है। इन मरीजों में खासकर वैसे मरीज आ रहे हैं जिन्हें सर्दी खांसी बुखार जैसी समस्या हो रही है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर संजीव द्विवेदी ने कहा कि वैसे मरीजों को चिन्हित किया जा रहा है जो कि ट्रैवलिंग करके आए हैं या फिर विदेश यात्रा से लौटे हैं और किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, और अगर किसी व्यक्ति में इस वायरस के लक्षण जरा भी पाए जा रहे हैं तो देर ना करते हुए उनकी जांच कर उनके सैंपल को उचित जांच के लिए भेजा जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह व्यक्ति संक्रमित है या नहीं। हालांकि अब तक मिली जानकारी के अनुसार जितने भी जांच हुए हैं सारे लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव ही आया है। सर्दी जुकाम कब का प्रॉब्लम आ रहा है, सब लोग जो है हॉस्पिटल आ रहे हैं जांच कराने के लिए, सब लोग अपने हेल्थ के लिए मतलब क्यूरियस हैं। और यहाँ जिन लोगों को भी सारा मतलब उनका हिस्ट्री लिया जाता है, यदि लगता है कि मतलब उनको कहीं से कोई बाहर का ट्रैवलिंग का हिस्ट्री या इस तरह से कोई डाउट होता है तो उन लोग को हम लोग क्वारंटाइन कर रखते हैं, लेकिन बाद में यदि नॉर्मल केस होता है तो हम लोग यहाँ से दवा देकर उनको रिलीफ लगभग 100 लोग आ रहे हैं। होता है कि यदि उस तरह का मतलब कि कोविड वायरस का इस तरह का शक होता है, यदि सिम्टम उस लाइन पर ही जाता है तो हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं उसको आइसोलेट करने का और आगे जांच कराने का। फिर यही है कि आदमी अपने घर में आइसोलेट रहे, पूरा सेफ्टी प्रिकॉशन ले, भीड़ भाड़ जगह से बचे, जहाँ मतलब कि मास्क का सैनिटाइजर का यूज करें। जमशेदपुर के जुगसलाई वीर कुंवर सिंह चौक में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के अवसर पर संपूर्ण मानव कल्याण संघ की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां चिकित्सकों ने उपस्थित लोगों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। हालांकि कोरोना वायरस को देखते हुए निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर को संघ के द्वारा रद्द कर दिया गया। वहीं कार्यक्रम को बहुत छोटे पैमाने पर करते हुए इक्का दुक्का लोगों को ये दांतों को किस प्रकार स्वस्थ रखने हैं उसके गुर सिखाए गए। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर दीपा ने बताया कि संस्था के द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, वे नशा का सेवन ना करें और खासकर गुटखा पान तंबाकू इन सब चीजों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि जागरूकता के अभाव में दिन प्रतिदिन ओरल कैंसर का प्रकोप
बढ़ते जा रहा है। ऐसे में अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो वे बीमार पड़ सकते हैं, यहां तक कि लोगों की जान भी जा सकती है। उन्होंने कहा, पहले स्टेज पर अगर लोग इस रोग को पकड़ ले तो इसे ठीक किया जा सकता है, पर अगर देर हो गई तो इसमें जान भी जा सकती है। जैसे कि कैंसर, हमारे देश में ओरल कैंसर कम से कम 30% लोगों को है। इसका मूल कारण यह है कि लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं है, नियमित रूप से दांतों का जांच नहीं करवाते हैं, साफ सफाई में ध्यान नहीं रखते हैं, इसके कारण होता है। और जो हमारा पान गुटखा ये सब जो सेवन करते हैं नियमित रूप से, इसका भी सेवन कर रहे हैं लोग, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना है, जिससे कि ओरल कैंसर फैलने का ये भी एक रीज़न है। और ये जो ओरल कैंसर है ये हम लोग का एडवांस स्टेज में ही लोगों को पता चल रहा है। अगर हम लोग इसको नियमित रूप से जांच करें दांतों का और साफ सफाई में ध्यान रखें तो ये इनिशियल स्टेज में ही पता चल सकता है, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं। आज जो है कि हम लोग लोगों को थोड़ा सा जागरूक भी करा रहे हैं ओरल हेल्थ डे में, कि दांतों का नियमित रूप से साफ रखना है, हम लोग को दिन में 2 बार ब्रश करना है, ये सब सारा चीज़ हम लोगों को जागरूक करा रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।